हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या क्या है? देखो, एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। हम वन बाई वन हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर गिवन बिलो। प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आर डिस्क्लोज। फर्स्ट थिंग क्या है कि आपके यहाँ सपोज मान लो आप चार टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो। अब सपोज AMI कंपनी है या कोई भी कंपनी है, फोन्स बनाती है। मेरे पास ये फोन है, एक फोन मेकिंग कंपनी है। अब फोन मेकिंग कंपनी 10 टाइप्स के फोन बना रही है, तो फाइंड आउट कर सकती है कौन सा फोन उसका प्रॉफिट मेकिंग है एंड कौन सा फोन उसका लॉस मेकिंग है। वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? एक कॉस्ट अकाउंटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इनेबल्स ए कंसर्न टू मेजर इफिशियंसी एंड देन मेंटेन एंड इम्प्रूव। अब देखो ये क्या होता है। अब सपोज मान लो कि अब मेरे यहाँ एक लेबर को 1 घंटे में बना देना चाहिए था कोई प्रोडक्ट, ठीक है, बट उसने 2 घंटे लगा दिए। तो उसके 2 घंटे लगाने से क्या हुआ? उसकी इफिशेंसी 50% हुई। मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी लेबर की। पहले 1 घंटे के मुझे 10 रुपये देने थे, अब मेरे को 20 रुपये देने पड़ गए, तो मेरी तो कॉस्ट तो 10 रुपये से बढ़ गई पर प्रोडक्ट। तो इन सारी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हो सकता है रॉ मटेरियल के केस में पहले 1 kg लगाना था, उसने 2 kg लगा दिया, यहाँ पे भी उसने आपकी कॉस्ट बढ़ा दी। तो सेम चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इट इनेबल ए कंसर्न टू मेजर द इफिशियंसी एंड देन मेंटेन एंड इम्प्रूव इट। हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमारी इफिशियंसी कम क्यों है और कम होने के पीछे रीजन क्या था, एंड उसको फाइंड आउट करके उसको हम रेक्टिफाई करके हम अपनी इफिशियंसी को बढ़ाएंगे, जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ मेटल स्पेंड अपॉन ए पेयर ऑफ शूज इन 2015 कम्स टू पीछे 560 एंड फॉर ए सिमिलर पेयर ऑफ शूज The amount is ₹600 in 2016. The increase may be due to increase in price of material or more wastage in the use of material due to inefficiency or payment of unnecessary high price at the buying. हो सकता है ना ये जो cost बढ़ा, या तो उसने ज्यादा रुपए से परचेज किया होगा। सपोज पहले 10 रुपए से परचेज करता था, अब उसने 15 रुपए से परचेज कर लिया, इसके वजह से बढ़ सकता है, या फिर उसने वेस्टेज बढ़ा दिया हो, या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिए। ये सारे रीजन है जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, एंड आपको ये सब फाइंड आउट करके आपको कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अपॉन विच एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स आर वेस्ट। अब आप किसी एस्टिमेट या टेंडर, इट केस ऑफ बिग कॉन्ट्रैक्ट्स और जॉब ए कोटेशन कैन नॉट बी गिवन अनलेस कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाउंड। अगर आप किसी कोटेशन में जा रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप बिड लगाते हो, आपको पता होना चाहिए जब भी गवर्नमेंट्स कोई कॉन्ट्रैक्ट निकालती है रोड कंस्ट्रक्शन का या फिर कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें बिड लगते हैं। तो आपको अपने कॉस्ट नहीं मालूम होगा, तो आप बिड कैसे सही तरीके से लगा सकते हो? आपको बिड लगाने के लिए आपको कॉस्ट मालूम होना चाहिए। टू गाइड फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज, मैंने आपको ये सारी चीजें ना मतलब आपको रिपीटेड लगेगा। इट एक्सप्लेन द कॉस्ट इनकर्ड एंड प्रॉफिट मेड इन वेरियस लाइंस ऑफ बिजनेस and process and thereby provide data on the basis of which production can be appropriately planned. आप production उसके according plan कर सकते हो आपको cost accounting के data के basis पे। It helps in increasing the profit. Definitely ये profit को increase करने में help करेगा। कैसे? आप अपने cost को minimize करोगे, cost control करोगे, cost reduce करोगे। पहले आपका cost 10 रुपये आता था, आपने cost accounting को implement करके अपने cost 8 रुपये कर दी, तो आपका profit कितना असर बढ़ गया? 2 रुपये से आपका profit बढ़ जाएगा ना। selling price तो आप same रखोगे, और आपको पता होना चाहिए मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। तो अगर मैं 10 का बेच रहा हूँ, तो सामने वाला भी 10 ही का बेच रहा होगा। अगर मुझे अपनी प्रॉफिट बढ़ानी है, तो मुझे अपनी कॉस्ट को कम करना होगा। सपोज इसकी भी कॉस्ट 8 आ रही है, मेरी भी कॉस्ट 8 आ रही है, तो दोनों की प्रॉफिट 2 रुपये होगी। अब सपोज मैंने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, 8 से 7 कर दिया, तो मेरी प्रॉफिट तो बढ़ गई ना। तो यही तरीका है आज के टाइम में प्रॉफिट को बढ़ाने में, आपको अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। इट एनेबल ए क्रिटिकल डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस विदाउट रिसोर्ट द स्टॉक टेकिंग, ठीक है। क्रिटिकल डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको करना है। इट फर्निश लेवल डाटा ऑफ कंपेरिजन कॉस्ट इन डिफरेंट पीरियड्स। देखो डिफरेंट पीरियड बेसिस पे हम मंथ वाइज, ईयरली वाइज, हम पास्ट डाटा, पास्ट ईयर और इसी में हम सब कुछ कंपेरिजन करके देखते हैं कि आखिर पिछले साल में इस मंथ में हमने कितना सेल किया था और इस साल हम उसी मंथ में हमने कितना सेल किया। तो सारा कुछ हम क्रिटिकल डिटरमिनेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि हम किस तरीके से हम इस साल हमने ज्यादा सेल किया या किस वजह से हमने इस साल कम सेल किया। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी डिटेक्टेड। यस, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है ना,
कॉस्ट अकाउंटिंग चीजों को ना डिटेल में आइडेंटिफाई करता है, जिसके वजह से आप एक एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हो कि आखिर इसके पीछे ऐसा हुआ तो। अगर आपके किसी प्रोडक्ट को अगर आपकी लॉस मेकिंग चली गई सपोज, तो आपको पता चल जाएगा कि लॉस मेकिंग क्यों गई, या तो उसकी कॉस्ट सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हुई, या फिर कॉस्ट जो आपने कैलकुलेट किया एक्चुअल में उस तरीके से नहीं हो रहा था। सपोज हो सकता है जब आपने कॉस्टिंग करते समय आपने 1 kg लिया था रॉ मटेरियल, और पता चला प्रोडक्शन में उसने 1.5 kg लगा रखा है, तो ऐसी चीजें हो सकती है। ये सब कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग से आइडेंटिफाई हो जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग द रिलेटिव इफिशियंसी ऑफ द डिफरेंट वर्कर। अब हर एक वर्कर की इफिशियंसी, कोई 100% इफिशियंसी के साथ काम कर रहा होगा, कोई 120%। अब सपोज मेरे को कोई काम दिया गया, मैंने 1 घंटे का काम 40 मिनट में कर दिया, तो मेरी इफिशियंसी तो बढ़ गई ना, और किसी ने 1 घंटे का काम 2 घंटे में कर दिया उसकी इफिशियंसी तो कम हो गई। ये वर्कर वाइज इफिशियंसी भी बता देता है हमें। हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करता है? इट फैसिलिटेट द असेसमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी रिगार्डिंग इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्सेशन ETC। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल प्लान। ठीक है, ये सब कुछ के बारे में ये बात करते हैं। देखो गवर्नमेंट के केस में होता क्या, मैं जस्ट एक्चुअली ये सारे टॉपिक्स ना ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो इसके बारे में मैं आपको एक जस्ट आइडिया देता हूँ। अब देखो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का सोर्स क्या है? टैक्स ड्यूटीज। अब सपोज अगर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम होगी तो क्या होगा, उसके ऊपर ड्यूटीज भी कम आएगा। अगर कॉस्ट सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो गवर्नमेंट का भी तो लॉस है, और गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि आपने जो सेलिंग प्राइस आपने जो दी है वो सही है? हो सकता है ना कि आप अपने टैक्स को कम दिखाने के चक्कर में अपने सेल्स को कम दिखा रखा हो, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कंपनीज के ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगा रखती है, जिससे उसको पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, और कोई भी कंपनी अपने कॉस्ट से तो कम पे प्रोडक्ट बेचेगी नहीं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स जो रेवेन्यू कम होने वाला होता है उसको गवर्नमेंट अपना सेव कर लेता है इम्प्लीमेंट करके। कंज्यूमर को कैसे हेल्प करता है? अब मान लो अगर आप सही तरीके से कॉस्टिंग करोगे तो बायर को भी तो सही प्राइस आप कोट करोगे, एंड जो बेसिक नेसेसिटीज के आइटम्स है उसमें बायर्स को भी हेल्प मिलेगा कि यार अब मान लो सॉल्ट है, सॉल्ट तो हर कोई कंज्यूम करता है, अगर 500 रुपये के जी हो तो भी आप उतने ही सॉल्ट कंज्यूम करोगे, और 10 रुपये के जी तो भी आप सॉल्ट उतना ही कंज्यूम करोगे। तो इन दैट केस में कंज्यूमर को भी हेल्प करता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है वहाँ पे कॉस्ट एटलीस्ट इस तरीके से आइडेंटिफाई करे, इतना अच्छा ट्रांसपेरेंट हो कि लोग उसको बियर कर सके प्रोडक्ट की कॉस्ट को। इफिशियंसी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। कॉस्टिंग हैज अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्ले इन पब्लिक इंटरप्राइजेज देन इन प्राइवेट इंटरप्राइजेज। इन पब्लिक इंटरप्राइजेज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड चीपर रेट। देयरफॉर व्हाटएवर लिमिटेड इंफॉर्मेशन द यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैन गिव इन अ केस ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज इट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर कैन बी बेस्ट जज्ड बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड with the cost of production and in the conceptual of the private company। देखो होता क्या है, जो जितने भी पब्लिक कंपनीज है, गवर्नमेंट है, पब्लिक कंपनी मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, जिसका शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अब जो गवर्नमेंट कंपनीज का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसको अपने इकोनॉमी को सर्व करना है, अपने इकोनॉमी को सर्व करने का ऑब्जेक्टिव। तो इन केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर उनको कॉस्ट सही से मालूम होगा तो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग सही से डिसाइड करेंगे, एंड बायर जो भी होगा वो उसको अफोर्ड कर सकता है। अगर उसको सही कॉस्ट मिले, अगर आप ही को कोई प्रोडक्ट अगर चीपर रेट पे मिल जाएगा तो आप अगर क्वालिटी उसकी अच्छी होगी तो आप डेफिनेटली आप उसको बाय करोगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है पब्लिक इंटरप्राइजेज का। पब्लिक इंटरप्राइजेज लैक ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव एंड इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज। ए गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इंश्योर इफिशियंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल थ्रू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ देयर वर्किंग। इट प्रोवाइड्स फॉर ग्रेट फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी। इट मेजर्स ऑफ द इफिशियंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द अंडरटेकिंग टू जस्टिफाई द रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन द फिक्सेशन ऑफ रीजनेबल सेलिंग प्राइस। ये सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, होप सो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।